हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 की। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं वीडियो फिजिक्स के शुद्ध गतिकी चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, यानी पिछले वर्ष ये क्वेश्चन पूछे गए थे और हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताने वाला हूं, क्योंकि पिछले वर्ष में ये पूछे गए थे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, लाइक नहीं करें प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु को किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है और ये 4.9 मीटर दूरी तक गिरने में उससे कितना समय लगेगा। ये ध्यान से देखिए कि जो किसी वस्तु को एक मीनार है, एक मीनार मतलब एक चोटी है, वहां से किसी वस्तु को गिराया जा रहा है और जो चोटी की दूरी है 4.9 मीटर की दूरी से गिरा रहा है, ठीक है। और तो गिरने में कितना समय लगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। तो इसको कैसे करना है, तो चलिए सबसे पहले इसमें जो जो चीज दिया उसको पहले लिख लेते हैं। एस बराबर हमें मालूम है कितना है, तो 4.9 यानी दूरी, एस बराबर 4.9 मीटर हो गया ना। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो ऊपर से गिरा जा रहा है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल यहाँ पर लगेगा गुरुत्वाकर्षण, तो यहाँ पर जी बराबर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमें टी पूछा है, तो टी मतलब कि समय यानी सेकेंड में पूछा है, तो हमें टी बराबर ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एस इजकल टू क्या होता है, एस इजकल टू होता है 1/2 gt², ठीक है ना। इस पर हम निकाल पाएंगे इसका फॉर्मूला। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्यों ये फॉर्मूला लिखे हैं, क्योंकि इसमें टी है और इसके माध्यम से टी का हम मान सेकेंड वाला जो समय है वो निकाल पाएंगे। चलिए यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हमें टी को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो टी यहाँ आएगा, तो टी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 × s, ये हो जाएगा 2 में s से गुणा हो जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा जी, ठीक है ना। तो अब देखिए इतना हो गया, तो ये s है। अब देखिए टी का स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड करेंगे, तो यहाँ पर टी इजकल टू क्या हो जाएगा, टी इजकल टू ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो 2s हो जाएगा और बटा में जी हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से इस तरफ हो जाएगा। अब देखिए मान जो है इसका पुट करेंगे 2 × s का मान दिया 4.9, ठीक है ना, 4.9 और बटे में जी का मान कितना है जी, तो 9.8, ठीक 9.8 और ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक। तो अंडर रूट में कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए जो 2 में 4.9 से गुणा करेंगे तो फिर 9.8 आ जाएगा, 2 में अगर 4.9 से गुणा करेंगे तो 9.8 ही आएगा और बटा में भी 9.8 ही है, ठीक, और ये अंडर रूट में, ठीक है ना। तो इतना से इतना कट गया, बचा क्या अंडर रूट में, तो अंडर रूट में बचा केवल 1। तो अब देखिए अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा और ये समय हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो 1 नंबर ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। तो ये वीडियो उसी लिए है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की विराम से प्रारंभ करके एक ट्रेन 1.5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान त्वरण से 2 मीटर तक चलती है, इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, हमें दूरी निकालना है, ठीक है। जिसमें क्या क्या चीज दिया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। विराम से प्रारंभ करके, विराम का मतलब होता है विरामावस्था से प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग हमारा विराम है, तो u = हो जाएगा 0, ठीक है, क्या हो जाएगा 0। और हमें त्वरण दिया है, इसका त्वरण इतना से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक समान त्वरण से, तो ए त्वरण को ए से इंडिकेट करते हैं, a = 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया त्वरण। इसके बाद हमें क्या दिया इसमें, तो हमें टी दिया है, मतलब समय दिया है, इसमें समय कितना है 2 मिनट तक चलती है, तो मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 2 मिनट को चेंज करेंगे तो 60 कितना हो जाएगा 120, तो 120 सेकेंड अब चेंज हो गया, ठीक। अब हमारे तीनों मालूम हो गए, u बराबर a बराबर t बराबर, अब क्या हमें निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर ut प्लस यहाँ पर हाफ at स्क्वायर, ठीक है। क्यों यहाँ पर रखें ये फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले में उसका वैल्यू दिया है पहले से ऑलरेडी, ठीक। तो s इक्वल टू u का मान कितना है जी, तो u का मान हमें 0 और t का मान क्या है इसमें, तो गुणा करेंगे 0 में अगर 120 से, तो 0 ही वैल्यू हो जाएगा इसका, तो सो इसलिए हम यहाँ से मान रखेंगे, तो 1/2 और गुणे a का मान कितना है जी, तो a का मान 1.5 और गुणे यहाँ पर जो है t, तो t कितना है 120, तो 120 और यहाँ पर 120 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये t का स्क्वायर है। यहाँ पर 120 देखिए s इजकल टू 1/2 और गुणे 1.5 और यहाँ पर देखिए 120 का वर्क करेंगे तो
144 पहले और डबल जीरो हो जाएगा, ठीक। दो से इसको कटा देंगे, 2 7 14 और 2 2 4 और डबल जीरो उतर जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए कटाएंगे तो एस इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए एस इजकल टू ये कटा दिए तो 1.5 और गुणे यहाँ पर 7200, ठीक है, 7200, ठीक। इसमें अगर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो आएगा 10.80 किलोमीटर, यही हमारा दूरी आ जाएगा इसका, ठीक है ना। इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो दिया है 10.80, 10.80 इसका मतलब ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए और फ्रेंड्स को भी बता दीजिए। और अन्य वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, पूरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।